हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन कंप्यूटर क्लासेस फॉर क्लास 7th। इन प्रीवियस वीडियो वी आर कंप्लीटेड द टॉपिक हाउ टू क्रिएट अ एचटीएमएल प्रोग्राम। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बैकग्राउंड कलर हम कैसे लगाते हैं एचटीएमएल के प्रोग्राम में, और हमने उसका सारा स्ट्रक्चर देखा था एचटीएमएल प्रोग्राम बनता कैसे। So today we are here to know about basic HTML tags. Program को बनाने के लिए जो हमने tags use किए थे, उन tags की हमने introduction आज पढ़नी है, कौन सा tag क्या काम करता है। So let's start. जो basic tags हैं, सबसे पहले आपके पास आता है HTML. HTML tag क्या बताता है? That tells the web browser that the text contained between HTML and HTML clause is a web page. कहते हैं ये वेब ब्राउजर को बताता है कि जो हमने डाटा इन दोनों टैग्स के बिटवीन लिखा है वो एक वेब पेज के लिए लिखा है, एंड कैन बी व्यूड यूजिंग अ वेब ब्राउजर। और यहीं से उसको इंडिकेशन मिलती है कि ये पेज दिखेगा कैसे, वेब ब्राउजर की हेल्प से। एवरी वेब पेज कोडिंग मस्ट स्टार्ट विद HTML टैग एंड एंड विद द HTML स्लैश टैग। कोई भी वेब पेज आपको बनाना है वो इसी टैग से स्टार्ट होता है और इसी टैग से आपका एंड होता है। हेड टैग डिफाइंस द हेडर एरिया। आपने जो वेब पेज बनाया है उसके हेडर एरिया में आप क्या लिखना चाहते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है आप हेड टैग को स्टार्ट करके उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पे लिखोगे। टेल्स द कंप्यूटर दैट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट शोन टू योर वेब पेज। जो आप हेड के अंदर डाटा देते हो ना, वो आपके वेब पेज पे शो नहीं होता। ये कंटेनर टैग है, मतलब इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है, और ये एवरी वेब पेज में हेडर टैग आपका लगता ही लगता है। हेड के बाद आप टाइटल टैग लगाते हो उसी के बीच में, और टाइटल की भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, और ये जो आप टाइटल में जो भी डाटा लिखते हो वो वेब पेज पे शो होता है। अगर आपसे कोई पूछे हेड वाला जो डाटा है वो नहीं शो होता और टाइटल वाला जो डाटा है वो आपके वेब पेज पे शो होता है, बट ये कंपलसरी नहीं होता, नॉट मैंडेटरी। अगर आप अपने वेब पेज को कोई टाइटल देना चाहते हो तो टाइटल यूज करो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी टैग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग। जो भी आपने टेक्स्ट लिखना है, प्रोग्राम बनाना है, वो सारा बॉडी टैग के अंदर ही बनाया जाता है। बॉडी टैग स्टार्ट एंड बॉडी टैग क्लोज, ये कंटेनर टैग है, इसीलिए इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों होती है। बॉडी में हम कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स को लगा सकते हैं? फर्स्ट इज बीजी कलर। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, ये बैकग्राउंड कलर अगर आपको देना होता है तो आप बॉडी इस तरह से लगा के साथ में बीजी कलर इक्वल्स टू डबल कॉमो में आप उसका कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट टेक्स्ट। अगर आपने पिछला बैकग्राउंड कलर चेंज किया तो आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स में ब्लू व्हाइट एनीवन एनीथिंग। बैकग्राउंड, अब देखो वहां पे तो कलर चेंज किया था, अब बैकग्राउंड मतलब आपको अपने बैकग्राउंड पे कोई फोटो लगानी है तो आप कैसे लगाओगे? बॉडी बैकग्राउंड पूरा लिखेंगे इक्वल्स टू डबल कोट्स में उस फोटो का एड्रेस दे देंगे, जैसे लिली के फ्लावर्स होते हैं। अगर आपकी कंप्यूटर में वो फोटो है और उस फोटो का नेम क्या है, वो सारा नेम यहाँ पे आएगा डॉट जेपीजी, वो फोटो किस फॉर्मेट में है, तो डबल कोट्स में बंद करके आपका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको इकट्ठा लगाना है तो बीजी कलर रेड टेक्स्ट व्हाइट इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स कौन से होते हैं? अगर आपके देखो आप चैप्टर पढ़ते हो, उस चैप्टर में देखो ये डार्क लिखा हुआ है तो ये हेडिंग है और ये उसका कॉन्टेंट है, फिर ये हेडिंग आ गई, फिर ये कंटेंट है। उसी तरह अलग अलग लेवल्स की हेडिंग होती है, तो सेम वेब पेज में अगर आपको कुछ टेक्स्ट अलग से दिखाना होता है तो आप अलग अलग तरह की हेडिंग्स को यूज करते हो। ये हेडिंग्स कंटेनर टैग ही होते हैं, इनकी स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों होती है। 6 लेवल होते हैं हेडिंग्स के, H1 से लेके H6 तक। H1 सबसे हाईएस्ट लेवल होता है हेडिंग का और H6 सबसे लास्ट लेवल होता है आपकी हेडिंग का या सब हेडिंग का। और हेडिंग्स को हम अलाइन एट्रीब्यूट से अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अलाइन कितने तरह से कर सकते हो, जैसे हेडिंग को लेफ्ट साइड पे रखना है, हेडिंग को सेंटर में रखना है और हेडिंग को राइट साइड पे रखना है। अब देखो ये हेडिंग टैग एक तरह की हेडिंग है,
ये लेफ्ट में है, इसको आप सेंटर में भी कर सकते हो, इसको आप राइट साइड पे भी कर सकते हो। कैसे करेंगे? एच वन स्टार्ट किया, अलाइन इज इक्वल टू डबल कोट्स में लेफ्ट लिख दिया, जो डाटा जो हेडिंग लिखनी है वो लिखो, और हेडिंग को आपने क्लोज कर दिया स्लैश के साथ। सेम एच टू लगा सकते हो सेंटर लगा के, एच थ्री राइट लगा के, जो टैग स्टार्ट किया उसी टैग को आपने क्लोज करना है। आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक थी, अगर एच वन शुरू किया है तो एच वन ही क्लोज होगा, एच टू स्टार्ट किया है तो एच टू ही क्लोज होगा। तो नेक्स्ट आपके पास आता है पैराग्राफ टैग। हम हेडिंग की एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। देखो हमने यहाँ पे नोटपैड ओपन कर लिया, नोटपैड में ऑलरेडी देखो प्रोग्राम टाइप है, आपने ग्रीन कलर का बैकग्राउंड लेके व्हाइट उसके टेक्स्ट लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे हेडिंग लेना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एच वन स्टार्ट कर दिया और वहां पे मैंने अपना नेम लिख दिया, हेडिंग को स्लैश के साथ आपने क्लोज कर दिया। सेम हेडिंग टू, उसमें भी आप इस तरह से, अगर देखो सेम आपको सिक्स की सिक्स हेडिंग्स लगा के देखनी है, आप इसको कॉपी पेस्ट करके बस हेडिंग्स का नंबर चेंज कर देंगे। यहाँ आगे यहाँ पे थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ पे भी क्लोजिंग टाइम भी थ्री फोर फाइव सिक्स। हम इसको फाइल में जाके प्रोग्राम को क्या करते हैं, सेव। सेव मैंने बोला था आपको कहाँ पे करना है, सपोज डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट आपकी मर्जी है। अब हमने इसका क्या नेम दे दिया, हेडिंग नाम ही दे दिया, डॉट एच टी एम एल लगाना कंपल्सरी। सेव, इसको मिनिमाइज करते हैं हम ताकि दोबारा से चेंजेस कर सके, और ये हेडिंग है, हम इसको डबल क्लिक करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। देखो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है, व्हाइट अल्फाबेट आ गया आपके ऊपर। देखो फर्स्ट हेडिंग डार्क होके आई है, सेकंड हेडिंग थोड़ी सी छोटी है, थर्ड हेडिंग उससे भी छोटी है, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स सबसे छोटी हेडिंग आपके पास आई है। तो आई होप ये प्रोग्राम आपको क्लियर होगा हेडिंग्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं, और हेडिंग्स की अलाइनमेंट करके देखनी है वो भी कर सकते हो। जैसे मैं यहीं पे लगाती हूँ, अलाइन इज इक्वल टू हमने क्या लगा दिया जी, सेंटर। इसको बस सेव पे दोबारा से क्लिक करना है और कुछ नहीं करना, और जो आपकी आउटपुट है उसको निकाल के हमें रिफ्रेश करना है। आप देखो आपकी जो हेडिंग है वो सेंटर में चली गई, तो आप इसी तरह से हेडिंग में लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट है पैराग्राफ टैग। सेम पी टैग से स्टार्ट होता है और पी टैग से आप क्लोज कर सकते हो जब आपको कोई पैराग्राफ बनाना होता है, और उसमें भी थ्री तरह की अलाइनमेंट्स हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर। फिर आपको लाइन ब्रेक करनी है, उसके लिए बी आर टैग लगाना पड़ता है जब आपको नई लाइन में कुछ डाटा लेना होता है। हम इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। सपोज आपने यहाँ पे पैराग्राफ स्टार्ट किया, पी टैग स्टार्ट किया, आपने यहाँ पे पी टैग की अगर अलाइनमेंट देनी है तो अपनी बुक के अकॉर्डिंग आप अलाइनमेंट दे सकते हो, सेंटर। फिर आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, यू यूज लाइन, फिर बी आर, नेक्स्ट मेरा नेम लिख लो, कुछ भी टाइप कर सकते हो। फिर हमने एक लगा दी बी आर, देन आपने लिख दिया सेवन क्लास, कुछ भी लिखो। After that, अगर फिर हम इसको सेव पे क्लिक करते हैं और अपनी आउटपुट को हम यहाँ पे जाके क्या करते हैं, रिफ्रेश। अब देखो पैराग्राफ शुरू हुआ, नेक्स्ट लाइन से सेंटर दिया था तो सेंटर में, अब तीनों लाइनें अलग अलग क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे बी आर लगाया, नेक्स्ट लाइन ब्रेक हो गई, फिर नेक्स्ट लाइन ब्रेक हो गई। तो अगर आप यहाँ से बी आर हटा दोगे तो ये सारी लाइन एक ही लाइन में आपके पास आएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लाइन ब्रेक, देखो इस तरह की आउटपुट ही आई थी ना हमारी, हॉरिजॉन्टल रूल। एच आर मतलब अगर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और उस लाइन को भी आप विड्थ मतलब कितनी मोटी पतली लाइन आपको देनी है, उसका साइज कितना देना है, लाइन का कलर क्या देना है, और लाइन की अलाइनमेंट क्या करनी है। तो मैं सिंपली एक लाइन लगा के दिखाती हूँ। सपोज हेडिंग्स के बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लगानी है एच आर, तो मैं यहाँ पे फाइल में जाके कर रही हूँ सेव और प्रोग्राम पे जाके उसको रिफ्रेश कर रही हूँ। तो आपको यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, देखो ये व्हाइट कलर की लाइन आ गई। अब आप इसके एट्रीब्यूट्स को यूज कर सकते हो, जैसे आपको विड्थ मतलब इसकी मोटाई कितनी करनी है, इसका साइज, इसका कलर, इसकी अलाइनमेंट, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो।
आई होप बेटा ये टॉपिक आपको क्लियर हुए होंगे। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हुई देन यू कैन डिस्कस इन द लाइव क्लास। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।